कद्दर प्यारे लग रहे, पिंक है अभी, पिंक ये फूल देख ना प्यारा वाला। शर्म कर रमजान, मैं अस्तग्फुरुल्लाह। ये ओरिगैनो हो गया, इसके अंदर हमने डालना है दो कटे हुए प्याज, बारीक बारीक काट। इतनी बिरयानी आज मैं खराब कर रहा हूं। Assalamualaikum friends, welcome back to my new vlog। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा। सो गाइज, आज मेरी डेली व्लॉग का हो गया है डे 78। यस यस, रमजान आ रहा है, बरकतों और इबादत का महीना आ गया है। अल्लाह ताला का जितना शुक्र किया जाए उतना कम है। मैं मिलूंगी इस रमजान आप सबसे तारीख अपनी मामा के साथ। हर साल की तरह इस साल भी हम सब आप सबको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मेरी तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। सो गाइज, मैं उठ चुकी हूँ, आग बनने वाले और पापा आ गए। मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से लेट होने वाली थी, मैं बस जा रही हूँ और मैंने नाश्ता भी कर लिया, मैंने रोज़ा नहीं रखा। और पापा इज़ कमिंग, मैं जा रही हूँ और आप ही तैयार हो गए, फिर आपको यूनिवर्सिटी में मिलती है। तो यार, हम यूनिवर्सिटी आ गए थे, हमने लेक्चर ले लिया, फ्री हो गए हैं, तो अब मैं हम सोच रहे हैं कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ने से हंसी आ रही है? नहीं यार, पेपर आ रहे हैं अब तो, रोज पढ़। किधर जा रही हो? क्या सोच के रही हो, कहाँ जाना है? लाइब्रेरी, चलो चल के पढ़ते हैं। तो बस अब हम पढ़ेंगे। और ना, मैंने सोचा था लाइब्रेरी जाके बड़े मजे की नींद आएगी। वाह वाह वाह, मैं सोच रही हूँ कि आज ना वो स्प्रिंग है ना, तो फ्लावर्स बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, तो इनको दिखाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में कितनी खूबसूरती हुई हुई है। चलिए चलो दिखाते हैं आप आपको। गो गो, कितने क्यूट लग रहे हैं ना, इतने स्टूडेंट्स लग रहे हैं। आ जा, देखते हैं, फिर चेक करें, कद्दर प्यारे लग रहे हैं। पिंक है अभी, पिंक, ये डार्क पिंक कलर है ना, रेड रेड लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं ना। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दूसरे वाले बहुत प्यारे हैं, येलो कलर के और बहुत प्यारे लग रहे हैं। एक फूल ये भी है, फूल देख ना प्यारा वाला, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। चलाओ चलते जाते हैं आगे भी देखते हैं। वो एक रेड कलर का है, वो भी बड़ा प्यारा लग रहा है ना। ये सारे के सारे ही ना खिले हुए हैं। हाँ, वो भी प्यारा लग रहा है। सबसे प्यारा फूल जो है वो ये है। क्या अच्छा ये कौन सा? ये चेक करो यार, कितने प्यारे लग रहे हैं। एक तो ये भी प्यारा लग रहा है, बट सबको छोड़िए वाला फूल सबसे प्यारा है। प्यारा है कि नहीं? इस फूल को दिखाओ जरा, इस फूल को इतना प्यारा लग रहा है। पर्पल वाला भी इसमें से बहुत प्यारा लग रहा है। ये वैसे मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है, ना इतनी सर्दी और ना ही इतनी ज्यादा गर्मी। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। चल आगे चले, आगे दिखाते हैं, इधर से चले, उधर से, उधर से चलते हैं, बीच में से पास है। कितना प्यारा ट्री लग रहा है ये जो सामने, इतना बड़ा। ये एक तो छांव के लिए जगह है, एक वो आगे भी है, सारे बड़े प्यारे लग रहे हैं। एक ट्री मेरे साथ भी चल रहा है, लेवेंडर ट्री। आज पता नहीं मुझे कैसे कैसे दिमाग में चीजें आ रही है मेरे यार। ये वैसे बहुत प्यारा है ना, ये वाला ट्री है, ये पता नहीं कौन सा ट्री है। ये चेक कर, ये कितना अच्छा लग रहा। चल आगे दिखाते हैं, चल ट्रीज देखो जरा, यहाँ के ट्रीज तो बहुत ही मुझे अच्छे लगते हैं ना। देखो सारे एक जैसे, स्प्रिंग आ गया है तो इस, ये सबसे प्यारा आपको अब दिखाती हूँ कौन सा वाला, पिंक कलर का बहुत प्यारा है वो। पहले तो ये देखे ना नीचे से, येलो वाले देखिए, शर्म कर रमजान है। अल्लाह इसको माफ कर देना। ये देखो यार किस कदर खूबसूरत लग रहा है, बट यूनिवर्सिटी में कोई इसको हाथ भी नहीं लगा सकता वैसे, है ना। और एक तो मैंने छोड़ दिया। ये देखो कितना खूबसूरत, ये नहीं लग रहा। वो देखो कितने प्यारे लग रहे,
ये मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, ये देखें इतना प्यारा लग रहा है ना, सेम मेरे जैसा, मेरे साथ नेचुरल कैसे पर्पल है वो, पिंक है पर्पल पिंक लाइलैक्स है, ये भी लाइलैक्स लैवेंडर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी यार, वैसे मैंने आज सोचा हुआ था वो छपैक वाली वीडियो नहीं बनी, तुम हमें एक दफा ट्राई करते हैं, एक मछली एक मछली छपैक, तीन चार के साथ मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा आएगा, हम दोनों करके देखते हैं ना, देखते हैं कौन जीतता, एक मछली पानी में गई छपैक, दो मछली दो मछली पानी में गई छपैक, तीन मछली तीन मछली पानी में गई पानी में गई छपैक छपैक बस। अब हार्ड लगी थी ना, बड़ी तेज हो तुम, बहुत तेज हो, चलो बस मैं घर जा रही हूँ, फिर अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। चलो ठीक है, कल मिलेंगे, कल आना कि नहीं आना, कल को यार देखते हैं, मैम से बात करते हैं, अगर तो लेक्चर कैंसिल कर देती हैं तो बहुत मेहरबानी होगी उनकी, क्योंकि परसों से हमारे पेपर्स हैं, अगर नहीं भी कैंसिल किया तो हम खुद छुट्टी कर, ओके कल हमने पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा सारा एक दिन में। तो ठीक है, आप घर जाके ही मिलूंगी एक दफ़ा, फिर से देखने कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, यार वो पिंक वाला तो लव हो गया ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं सारे। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय 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 बाय। तो यार मैं घर आ चुकी थी और आके फ्रेश वगैरह भी हो गई हूँ, तो आज जो मेरा काम है ना वो है इन चीज़ों के साथ, आज किचन में मैं काम करने वाली, तुम पता है? हाँ जी मुझे पता है, और मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। क्यों? मैंने स्टडीज भी तो करनी है। तो क्या नाचोगे? ओके स्टडीज भी तो कल भी मैंने बाद में की थी, क्योंकि मैं फिर थकावट हो गई थी, मैं सो गई थी, तो इसलिए मैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी बिरयानी, और जैसे मैं बिरयानी बनाऊंगी आप सब देखिएगा, साथ साथ बताती हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ये हमने ले ली, ये ले, ये क्या ले, हाँ ये क्या है, पतीली पतीली देज की ले ली, इसको ये आग थोड़ी तेज करते हैं, इसके अंदर हम चिकन ये ले लिया है, अंदर हम डालेंगे डालडा का ऑयल, कितने चम्मच डालना है एक मिनट है, इसको उठाती हूँ मैं, राम राम से बताऊंगी ना, न्यू शेफ को तो राम राम से बताऊंगी, प्रो मैक्स राम से बताते हैं, ठीक है ना। ये लिया कोई गिरना, ये पकड़ो ही मान, इस साइड से आओ, मैं अगर 5 मिनट के नहीं आई हूँ, दादा एक डाल दी मैंने, एक और डाल, कितना एक तो मैंने डाल दिया, बस काफ़ी है, और चल 4 स्पून डाले, 4 स्पून अब इसको हम होने देंगे गरम, जैसे ही ये गरम होगा इसके अंदर हम डालें, जैसे ही गरम होगा इसके अंदर हम डालेंगे ये प्याज, ये 2 प्याज कटे, ऐसे नहीं कहते, ये इसके बाद हम डालेंगे 2 कटे हुए प्याज, इसके अंदर हमने डालना है 2 कटे हुए प्याज, बारीक बारीक फिर हमने उसमें डालना है 1 कटा हुआ टमाटर, टमाटर जब नरम हो जाएगा ना फिर हमने जो मसाले ऐड करने हैं वो मैं बाद में बताती हूँ, चलाओ ईमान अभी, पहली बार जब पता ही नहीं तो मैं बाद में बताऊंगी, क्या कहा है। आज मम्मा ने इतनी सफाइयाँ करवाई हैं, इतनी सफाइयाँ करवाई हैं कि मैं इससे मम्मा ने आज मैं मम्मा से सही तरीके से मिली ही नहीं, इसलिए मैंने अभी नहीं लिया, ये 1 kg चिकन लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है, ठीक है, तो इस अच्छी तरह साफ कर लिया इसको हमने, जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, प्याज कहाँ कब तक करना है, डालू, अच्छा डालना है, आप तेज करो ईमान, हल्की हुई है क्या, तेज है, हल्की है, तेज करो ना, फुल तेज करो, कैसे कर, फुल तेज कर दो, अब हमने इसमें डाल दिया, मेरा तो रोज़ा नहीं, इधर करो, इसमें हमने इधर नीचे दिखाओ, क्या दिखाओ मैडम, प्याज डाल देना जो 2 खट्टे हुए थे, इनको हमने लाइट ब्राउन करना है, मैं तो डार्क ब्राउन करूँगी, नहीं लाइट ब्राउन, इसको मैं शेफ में आऊँ,
पीछे है मैडम, नीचे हिलाने वाला काम मैं कर, पूछ सारा सारा पूछ तो मम्मा से रह गया। वैसे अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा। बस ये ना हल्का ब्राउन करना, ज्यादा ब्राउन नहीं करना, इसको साड़ना नहीं है, हल्का ब्राउन करना है। करके इसके अंदर हम डाल लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो एक स्पून डालेंगे, वो पड़ा हुआ। और फिर उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर, फिर जो मसाले डालती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। मामा कह रही गंद ना डालो बेटे, गंद ना डालो, क्योंकि ये लाइट ब्राउन कब तक होंगे। चलिए तब तक करने वाले। A few moments later, ये हो गया है ब्राउन, इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। कितनी कड़ाड़ी आती है इसके अंदर से। इसके साथ साथ ही मम्मा टमाटर ऐड कर दें। अच्छा, मुझे बता रही है। वो मम्मा मेरी रेसिपी है ना, क्या हो गया टमाटर डाल, ये मुझे बता रही है जी। तो आज मेरी रेसिपी है ना, आपकी अलग टाइप की रेसिपी है, मेरी अलग है ना। एक टमाटर काटा तो ये भी इसके साथ ही ऐड करते ना हमने। जैसे ही टमाटर थोड़ा नरम होगा ना, फिर हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, ठीक है। तब तक मैं इसको जरा नरम करती हूँ। नरम हो गया है, मम्मा आप डाल दीजिए, क्योंकि मैंने कैमरा पकड़ा हुआ। आधा चम्मच नमक हमने डाल देना इसके अंदर। क्यों आधा चम्मच क्यों डाला, क्योंकि जब हमने चावल भिगोने ना उसमें भी एक चम्मच नमक हमने ऐड करना। मामा मैंने सारा बताया ना, आप कर रही हूँ साथ साथ, नहीं बताया ना। What? Bro, what are you talking about, man? मामा को कैमरा तो और तुम करो। वो मामा को कैमरा नहीं इस्तेमाल आता था, फिर इसलिए मुझे बनाना पड़ेगा कैमरा। खुशबू इस कदर अच्छी आ रही है कि मैं क्या बताऊँ अभी से। अब हमने लेना है बिरयानी मसाला, जो कि हमने आधा डाल दें, आधा सारा डाल दें, थोड़ा टेस्ट ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। ये डाल देना, थोड़ा सा पानी, बस। अभी इसको हमने हिलाना है, ताकि ये जो टमाटर है ना, अभी भी मुझे लग रहा है नरम नहीं सही से हो, थोड़े से और नरम हो जाए। उसके बाद हमने इसमें चिकन डालना है और भी थोड़े से मसाले डालने हैं, मुझे बताती हूँ। ये देखिए अभी से कितना खूबसूरत लगने लगा है। चिकन के साथ ही डाल दो चिकन, चिकन हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये इसके अंदर ना थोड़ा पानी है चिकन के अंदर, निकाल। यहाँ पे ना हमने पानी भिगोने के लिए रख दी, भिगोने के लिए कह रही हूँ, गर्म होने के लिए रखना है, तो जब तक उबाइल आएगा ना, ये हम इसके साथ साथ ही चिकन डाल देंगे। चिकन डाल के इसको हमने मिक्स कर देना है, ठीक है। अभी इसको हमने ना थोड़ी देर के लिए रख देना, ताकि जो चिकन भी है ना गल दे थोड़ा, और साथ में ये जो टमाटर है ये भी नरम हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना वो मैं अभी बताती हूँ। साथ साथ ही ना मम्मा बताएं जरा ये क्या क्या है, मुझे इनके नाम नहीं आते। फिर आप बना क्या मसाला साबुत है ना, जीरा है, काली मिर्च है, लौंग है। अच्छा ठीक है, ये थोड़ा कम ही डालेंगे। ये क्या है, फ्लावर है, मुझे बहुत डाल दे। तुम चुप करो, मेरे तो आंत में एक दिन लगा दे। मां तमीज करो, मैं इतनी अच्छी रेसिपी बना रही हूं। तुम क्या बना रही हो, वैसे बताना जरा। ये फंस गया सी है, बना रही हूँ। अच्छा ये हमने डाल दिया इनमें सारे मसाले डाल दिए। अब मेरी बात सुने, हमने ये थोड़ा इसीलिए डाला है क्योंकि हमने बिरयानी मसाला ऐड कर दिया, और बिरयानी मसाले में और भी ये चीजें होती हैं। इसके अंदर ना अब थोड़ा गरम मसाला और सूखा धनिया इसके अंदर, वो ऑलरेडी डाला हुआ डाल दिया। अच्छा मैं समझी नहीं, आपने बिरयानी मसाला डाल दिया ना साथ, जो आपके अंदर होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर तो ठीक है ना, फिर ठीक है। अब इसको हम ना बंद करके थोड़ी देर ना ढक्कन रख देते हैं, ताकि चिकन जो है ना गल जाए। तो मेरी हुक्मरानी चलेगी, गंद खोलना चल इधर से, गंदा जहा। पापा की चाय बना, पापा का रोजा खोते, अपने लिए बना रही है, नाम पापा का लगा दिया। झूठी ये बहुत झूठी है मम्मा, बहुत फेल है। पापा की बना रही हूं। कोई बात नहीं, मेरा बेटा नहीं रोजा नहीं रखा हुआ, छोटा बच्चा। पापा की बना रही हूं। अच्छा पापा ने रोजा नहीं रखा हुआ, ये सही बड़ी बात है, नहीं रही है, नहीं रखा। अच्छा अच्छा मैं मान ली है, नहीं रखो कैमरा तो ना हिला, नहीं रखा। अच्छा अच्छा चलो निकलो यहाँ से, लंबी छोड़ दी। हाँ
नहीं रखा। अच्छा चलो नहीं रखिए, फिर क्या करें हम? क्या है ये चीज? किसको? मेरा पता नहीं, वहां से गुलाब पकड़ता गर्म कर दूंगी तुम्हारा, खाऊं फिर। अच्छा इसकी लुक दिखा देती हूँ, ये देखे जरा, ये देखे। इसको अभी हमने 10 मिनट भूनना है और इसके साथ साथ इसके अंदर हमने एक प्याली दही ऐड करनी है। मामा अपने अंदाजे से डाल रही है, वैसे मेरा अंदाजा ये है कि हाफ छोटी प्याली जो है ना वो दही ऐड करनी, थोड़ी सी और, थोड़ी और मामा, थोड़ी और। हाँ बस इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको भूनेंगे 10 मिनट, इसको अच्छी तरह भूनेंगे। उसके साथ साथ इधर हमने ले लिया है पानी, पानी हमने ज़्यादा ही लेना है कि चावल कितने हैं हमारे, किलो है ना, किलो चावल है हमारे पास, तो हमने पानी फुल भर के लेना है, ठीक है। इसको हमने उबाइल होने के लिए छोड़ देना, जैसे ही उबाइल आएगा इसके अंदर हम क्या क्या मसाले डालेंगे, नमक, एक चम्मच नमक, थोड़ा सा ऑयल और साथ में थोड़ा बॉयल आने दे, उसके बाद के पहले अच्छा एक चम्मच दाल से डालनी है मामा, और थोड़ा सा हमने इसमें डालना है ऑयल, ऑयल के घी जो भी हो आपके पास वो आप डाल लें इसके अंदर, और साथ में हमने वो दालचीनी जिसको कुछ आंदा ना तो मैं कैसे नहीं कर रेसिपी नहीं बना तीन दाने ठीक है, तेज पत्ते दो, ओके, और लौंग भी ठीक है। अच्छा मुझे इनके नाम नहीं आते वैसे, मुझे सारी चीजों का पता है। और भी कोई डालना मम्मा? ये लौंग चैलेंज है, देखो कच्ची खा के दिखा। मैं पागल हूँ, मेरा रोज है पागल, मेरा दिमाग खराब करी। ये पत्ता डाल देना, ये पत्ता ठीक हो गया। एक और डालना बस मम्मा, एक और डाल दे, मुझे बड़ा शौक है डालने का, चीज का शौक है, हरी ना करता। इसमें डालू? उसमें डाल दे, वो ऐसे ही डाल दे। हो हाय शादी कर रही हूँ मम्मा, इसके अंदर ऑयल डाल दिया? नहीं डाला मां, छोड़ दो मैडम, निकाल के डाल दे। इज्जत बिरयानी आज मैं खराब कर रही हूँ, बदतमीजी ऐसी मैंने होती है, चीजें खराब करती है मेरी। ऑयल की जगह पे घी ऐड कर दिया था। अब इसको हमने नीचे आग तो चलाई, मामा कहती वो मशीन चल रही है ना, ठीक है ये ना जब उबाल आएगा फिर हम इसमें चावल डाल देंगे, ओके। तब तक मैं ये 10 मिनट पकाती हूँ, ठीक है। ये चावल का जो पानी है ना वो उबाइल हो रहा है, और मम्मा ये जरा सालन वाला उठाना, क्या ढूंढ रही है? होश में हूँ यार, बोला क्या बड़ा, आजकल थोड़ा नेट का मसला आ रहा है तो उसकी वजह से ब्लॉग थोड़ा देर से अपलोड हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना अब ना रोज मैं अफ्तारी के बाद अपलोड कर दिया करूँ। मुझे कमेंट में बताइएगा अगर ऐसा है तो मैं अफ्तारी के बाद अपलोड कर दूंगी। यहाँ अब रुकती क्यों नहीं है, मेरा इंतजार ही नहीं है। इसके अंदर हमने चावल डालने हैं, मम्मा डाल रही हैं सारे। यार खुशबू लिटरली बहुत ही मजे की आ रही है। इसमें हमने पानी डाल दिया था, ठीक है। अब पानी डाल के ना इसका जो गोश्त है ना वो गला लेंगे, और फिर मम्मा इसको सुखाना भी है ना, सुखाना भी है, ठीक है। ये सारी रेसिपी मेरी है, ठीक है। कतरे चढ़ावांगे? हाँ जी, आज मैंने मेहनत की है, मैंने आज सबको पता लग ही रहा होगा। चलो चावल भी डाल दिए हैं इसमें, अब इसकी खुशबू अभी से बहुत मजे की आ रही, इसको खोल लेते हैं, ठीक है। अब इसको रख देंगे हम एक मिनट, अभी कुछ करना। अच्छा एक भी चावल का दाना जाया नहीं होना चाहिए, अपने रिज़्क़ को बिल्कुल भी ज़ाया मत करे। ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है, ये जो पड़ा ना इससे भी टेस्ट आता है। ये गरम मसाले में होते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इसको ढक्कन दे देना ना, ऐसे आएगा, देखना कितना लंबा लंबा होगा। अब मैं आगे ये होता है ना फिर आपको दिखाती हूँ, ओके।
thousand years later. ओ जी, ओ चावल किधर गए वो? हाँ सच, ये मम्मा ने निकाल लिया है इसमें से। ध्यान से ध्यान से। एक कनी पे उतारने हैं। एक कनी पे। एक क्या? एक कनी रह जाए ना। वो क्या होता है? तकरीबन थोड़े थोड़े कच्चे हों। अच्छा अच्छा, थोड़े थोड़े कच्चे हों तो उतार लेने आपने, ठीक है? सालन आपको सालन कह रही हूँ, उसका मिक्सचर है। ये देखिए, ये भी तकरीबन रेडी है। गर्म, बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है। इतनी गर्मी लग रही है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत गर्मी लग रही है। कितना मुश्किल खाना बनाना है ना काम, वैसे है ना खाना बड़ा आसान, खाना बहुत आसान है, पकाना बहुत मुश्किल है यार, बहुत ज़्यादा। यानी कैसे बना लेती हैं, माओं को सल्यूट है मेरी तरफ। गैस चली गई है, अब बस लास्ट प्रोसीजर है। ये देखें रेडी हो गया। अब मम्मा तो हम इसको तवे में भी डाल सकते हैं, और हम इसको, हम ऐसा करते हैं इसको सारा इकट्ठे ही डाल देते हैं ना, बाद में मिक्स कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, क्योंकि ये मेरी रेसिपी है ना, इसीलिए इस सारे चावल को हम इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है? चावल बहुत लंबा लंबा है ना मम्मा जी। ये देखें, इसको इक्वल कर लेना, बहुत लंबा चावल है ना, बहुत लंबा। टिट्टू के लिए निकाल लेती हूँ, टिट्टू के लिए, ये मम्मा ने टिट्टू के लिए निकाल ली है। अब ना इसके अंदर ना जर्दा रंग और ऊपर पुदीना से गार्निशिंग कर। बेचारी इंतजार में है, बस 10 मिनट का काम रह गया। ये देखें मरियम की रेसिपी, मरियम इज द ग्रेट एंड प्रोमिस शेफ। मैंने बनाया तो मुझे भी कैमरा पकड़ा सकती तुमने, मैंने 3 दफा मम्मा इसको कहा। ये देखें जर्दा रंग डालेंगे, चना उतराप डाल दें मम्मा, वैसे मुझे ये ज्यादा पसंद है। चलें अब हम इसको देंगे थोड़ी देर के लिए दम, ताकि जो चावल का हमने थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा रखा था ना, ये जो दम पे अब ये पूरा हो जाएगा। चलें भाई, ये हो गया है दम पर, दम खोलते हैं, डिश आउट करते हैं, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, फिर हम करेंगे व्लॉग को एंड, ठीक है ईमान? ठीक है। हेलो भाई, दम खोल दिया मम्मा ने, अब इसको बिस्मिल्लाह करके मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह मम्मा, कितना टेस्टी लग रहा है ये चावल, कितना लंबा लंबा है। अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। तो ये थी आज की मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी, जो के प्रोमैक्स शेफ के हाथों थी, ठीक है ना, है ना मम्मा? प्रोमैक्स शेफ ने दी है आप सबको रेसिपी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं अब। तो ये रही आज की बिरयानी की रेसिपी। चावल लेके बहुत लंबा चावल है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। तो अब हम वाले अफ्तारी करेंगे, तो आपसे मिलूंगी कल की वीडियो में। गॉड्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, गॉड्स ऑफ लव, बाय बाय शू।